साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखते हुए WHO ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। ये कोरोना का अब तक का सबसे अधिक म्यूटेशन करने वाला वेरिएंट माना जा रहा है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे काफी डरावना बता रहे हैं। इस वेरिएंट को भारत में दूसरी लहर और दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर की वजह बने डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा म्यूटेशन और तेजी से फैलने वाला करार दिया गया है। वहीं पाकिस्तान को भी ओमिक्रॉन की चिंता सताने लगी है। प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक डॉक्टर ने कहा है कि इसका पाकिस्तान में आना तय है, इसको आने से रोका नहीं जा सकता है। पाकिस्तान के योजना मंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाकर अपने और अपने परिजनों की सुरक्षा को तय करें। इसको देखते हुए पाकिस्तान ने भी 6 देशों पर ट्रैवल बैन लगाया है। पाकिस्तान को इस बात की पूरी आशंका है कि उनके यहाँ पर भी कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दस्तक दे सकता है। इस बात की आशंका पाकिस्तान प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य मामलों के विशेष सहायक डॉक्टर और योजना मंत्री ने जताई है। इनका ये भी मानना है कि इसको देश में आने से रोका नहीं जा सकता है, लिहाजा इसका आना तय है। वहीं कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उभर रही चिंताओं के बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका से हाल ही में बेंगलुरु आए 2 लोगों में से एक का नमूना डेल्टा वेरिएंट से काफी अलग है। इस व्यक्ति में पाया गया वायरस डेल्टा वेरिएंट से अलग दिखता है। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक शख्स को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। आपको बता दें कि ब्रिहन मुंबई नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि पिछले 15 दिनों में लगभग 1000 यात्री मुंबई में आए हैं। ये सभी लोग अफ्रीकी देशों से आ रहे थे, जहां पर ओमिक्रॉन का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है। इन 1000 यात्रियों में से BMC के पास सिर्फ 466 लोगों का डेटा मौजूद है। इसमें भी 100 लोगों का कोविड टेस्ट करवाया गया है। अब इन लोगों में से जो भी कोविड पॉजिटिव पाया जाएगा उनकी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि इन देशों से आए संक्रमित लोगों को सेवन हिल्स अस्पताल में क्वारंटीन में रखा जाएगा। वहीं WHO ने आगाह करते हुए कहा है कि तेजी से रूप बदल रहा ओमिक्रॉन कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता है। इससे संक्रमण बढ़ने का भी खतरा है, जिसके चलते कुछ क्षेत्रों में गंभीर नतीजे हो सकते हैं। WHO ने कहा है कि अब तक दुनिया के किसी देश में ओमिक्रॉन के चलते मौत की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन वैक्सीन और पूर्व के संक्रमण के चलते पैदा हुई प्रतिरक्षा को बेअसर करने की इसकी क्षमता का पता लगाने के लिए अभी और अध्ययन की जरूरत है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने से मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि की आशंका जताते हुए संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने अपने सभी 194 सदस्य देशों से टीकाकरण में तेजी लाने, खासकर अधिक जोखिम वाले समूह के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने का आग्रह किया। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन में स्पाइक प्रोटीन वाले हिस्से में बहुत ज्यादा म्यूटेशन हुआ है। इनमें से कुछ महामारी की गंभीरता पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता पैदा करते हैं। समग्र रूप से इससे बहुत बड़ा वैश्विक खतरा है। हालांकि एक दिन पहले WHO ने कहा था कि ओमिक्रॉन के ज्यादा संक्रामक होने के अभी प्रमाण नहीं मिले हैं और दुनिया भर में अभी भी संक्रमण के 99% मामले डेल्टा वेरिएंट के ही आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।